नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंचन महाजून। में फरियादी पवन मिश्रा ग्राम खुर्दा के घर से रात्रि में सोने चांदी के जेवरात व नगद राशि चोरी के संबंध में थाना नौगांव में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। थाना नौगांव पुलिस द्वारा घटनास्थल का भौतिक निरीक्षण कर भौतिक और तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए गए। इस दौरान विवेचना हर संभावित स्थानों में चोरी की घटना से जुड़े आरोपियों की तलाश की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक छतरपुर श्री अगम जैन द्वारा चोरी की घटना से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु 8,000 रुपये का इनाम उद्घोषित किया गया था। थाना नौगांव पुलिस द्वारा घर में घुसकर चोरी की घटना कारित करने वाले 3 अंतर्राज्यीय आरोपी एकजय सिंह परमार उर्फ छोटे राजा पिता गणेश उम्र 35 साल निवासी चरखारी महोबा, तेज प्रताप उर्फ पोके राजा पिता करण सिंह बुंदेला उम्र 35 साल निवासी ग्राम खुर्दा थाना नौगांव, चैनू कुशवाहा पिता गोरेलाल कुशवाहा उम्र 40 साल निवासी ग्राम मकरबई थाना कबरई महोबा को गिरफ्तार कर अभिरक्षा में लिया गया है। अभियुक्तों द्वारा घर में घुसकर चोरी की घटना स्वीकार किया गया। अभियुक्तों के पास से सोने के आभूषण बजनी लगभग 19 तोला कीमती करीबन नगद रुपए 61,000 बरामद किए गए हैं। पर एक व्यक्ति के घर से चोरी हुई थी जिसमें कि बहुत सारा सोने चांदी के जवाहरात की चोरी हुई थी और एक बड़ी घटना इसमें घटी हुई थी। तभी से हमारी नौगांव सब डिवीजन की और नौगांव थाने की टीम लगातार इसमें प्रयास कर रही थी और बहुत ही टेक्निकल तरीकों से मुखबिरी के माध्यम से और अलग अलग प्रकार से उन्होंने प्रयास किया और बहुत माइन्यूट तरीके से प्रयास करने में कुछ संदेहियों के बारे में जानकारी मिली और उनको जब उनसे जब पूछताछ की गई तो उसमें से 3 मुख्य आरोपी अरेस्ट हुए हैं जिनका नाम है जय सिंह परमार जो कि चरखारी का रहने वाला है। इस व्यक्ति के ऊपर 30 से अधिक अपराध पंजीबद्ध हैं जिसमें हर प्रकार के अपराध हैं। इसमें 302 मर्डर का भी अपराध है, NDBS संबंधी अपराध हैं, चोरी संबंधी अपराध हैं, गैंगस्टर एक्ट भी इस पर लग चुका है, गुंडा अधिनियम लग चुका है, इस प्रकार बहुत सारे इसके ऊपर अपराध हैं। एक व्यक्ति तेज प्रताप जो कि नौगांव का रहने वाला है और एक व्यक्ति चैनू कुशवाहा मकरबई का रहने वाला है। मकरबई का रहने वाला चैनू कुशवाहा इसके ऊपर भी आधा दर्जन से अधिक अपराध हैं जिसमें मुख्य रूप से चोरी और वसूली के अपराध हैं। तो इन 3 अपराधियों को जब अरेस्ट किया तो सोना जिसकी कीमत जो 19 तोला है और जिसकी कीमत लगभग 13.5 लाख रुपया है, चांदी जो लगभग 1 किलो 900 ग्राम के 1 किलो की चांदी है और उसके अलावा लगभग 61,000 रुपये कैश, तो इतना सामान अभी इन 3 से जब्त हुआ है। इसके साथ ही 3 मोबाइल जो इन्होंने घटना में प्रयोग किए हैं, 2 हथियार जो अवैध रूप से अवैध हैं और उसके अलावा 1 स्कॉर्पियो जो इन्होंने घटना में प्रयोग की है इसको जब्त किया है। तो इस प्रकार से कुल माल लगभग 30 लाख के आसपास की संपत्ति इसमें जब्त हुई है। इसके अलावा 3 अपराधी इदरीस खान उसके ऊपर भी 8 से अधिक अपराध पंजीबद्ध हैं जो मकरबई का रहने वाला है, अनिल ठाकुर जो प्रकाश भुमरी क्षेत्र का रहने वाला है और देवी दीन ये मटौन बांदा क्षेत्र का रहने वाला है। तो अलग अलग जगह से 6 लोग इकट्ठे हुए। सर किस तरह की घटना का आज गांव खुर्दा नौगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत जून माह में एक घटना हुई थी जिसमें कि बहुत सारा सोना चांदी जवाहरात की चोरी उसमें हुई थी। तभी से हमारी टीम लगातार उसमें लगी हुई थी और कोशिश में थी कि उसका खुलासा किया जाए और फाइनली उसका आज खुलासा हुआ है जिसमें 3 मुख्य आरोपी जिनके नाम है जय सिंह परमार, तेज प्रताप और चैनू कुशवाहा इनको अरेस्ट किया गया है जिसमें जय सिंह परमार के ऊपर 30 से अधिक अपराध पंजीबद्ध हैं, 302 NDPS चोरी हर प्रकार के अपराध गैंगस्टर एक्ट इत्यादि इस व्यक्ति पर पंजीबद्ध हैं और उसके साथ ही इन 3 अपराधियों को जब अरेस्ट किया तो इनके पास से लगभग 13.5 लाख का 19 तोला सोना और 900 ग्राम चांदी और 61,000 रुपये कैश और अवैध हथियार और मोबाइल और स्कॉर्पियो इस प्रकार से टोटल मिला के लगभग 30 लाख की सामग्री की संपत्ति की जब्ती हुई है। और इसके अलावा 3 अपराधी जो इसी के साथ में प्लानिंग में और इसके घटना को अंजाम देने में थे, इदरीस खान मकरबई महोबा का रहने वाला, अनिल ठाकुर मुड़ेरा प्रकाश भुमरी का रहने वाला और देवी दीन मटौन बांदा का रहने वाला, इनकी तलाश जारी है। हमें उम्मीद है कि इनको भी हम जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे और इनके पास से भी कुछ संपत्ति जो इन्होंने चुराई है उसका खुलासा। सर लगभग कितने की चोरी कुल हुई थी? जितनी की चोरी हुई थी लगभग हम पूरा उसमें बरामद कर पाए हैं
थोड़ा सा अभी उसमें कुछ सामान बचा है जो हमें लगता है कि इन्होंने आपस में बांट लिया होगा, तो जो अन्य अपराधी हैं जब वो अरेस्ट होंगे तो उनसे जब्ती होगी।